यूपी की राजधानी लखनऊ में एरिया मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मारने वाले आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने मीडिया को पूरे वाक्य के बारे में जानकारी देते हुए खुद को बेगुनाह बताया है। प्रशांत जी, क्या हुआ था? भैया, हम गश्त कर रहे थे, लगभग डेढ़ पौने दो बजे के करीब एक गाड़ी दिखी हमें संदिग्ध। गाड़ी बंद थी, हेडलाइट वगैरह सब, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ी में दिखने रहा था कोई है या ना। हम गाड़ी के पास पहुँचे, तुरंत ही गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट हो गया। गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट होते ही उसने गाड़ी, हमारी बाइक थी, बाइक आगे लगाई, बाइक पे डायरेक्ट उसने चढ़ाई। चढ़ाने के बाद उसने फिर उसने रिवर्स गियर लिया। हमने कहा इशारे से कर रहे थे, भैया नीचे आओ नीचे आओ, वो नहीं मान रहा था। उसने फिर रिवर्स लेकर फिर ऊपर चढ़ाई, फिर उसने फिर तीसरी बार रिवर्स लिया। जब उसने तीसरी बार रिवर्स लिया, पूरी ज़ोर से उसने गाड़ी चढ़ाई, पूरी मतलब जान से मारने के बिल्कुल हिसाब से ही, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। पहिए जो पहिया था उसके गाड़ी का, उसके साइड में को आगे थी बाइक। उसके बाद मैं जैसे ही खड़ा हुआ, खड़ा होकर मैंने कहा भैया रुक जाओ, डराने के लिए मैंने पिस्टल निकाली, लेकिन उसने फिर भी नहीं मेरी कोई सुनी। मतलब उसे आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इशारे से उसे कह रहा था, लेकिन उसने गाड़ी मेरे ऊपर सीधी ही चढ़ाई। जो आपने गोली मारी तो क्या सेल्फ डिफेंस में मारी थी? हाँ जी सर, सेल्फ डिफेंस में मारी मैंने, और वो गोली पता भी नहीं थी लगी या नहीं लगी, वहाँ से चला गया था, वहाँ रुका नहीं था। सर आपके नशे में थे क्या लड़के? अब सर उनसे बात तो नहीं हो पाई थी मेरी, ना ही उनसे हमारी कोई वार्तालाप हो पाई थी, बस दूर से ही इशारे से कर रहे थे उतरिए, वो नहीं उतरा। उसने सर दो तीन बार गाड़ी रिवर्स करके ऊपर चढ़ाई है सर, गाड़ी बिल्कुल डैमेज कर दी है, आप देख सकते हैं। अपाची गाड़ी थी? नहीं सर, गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, खड़ी थी गाड़ी। खैर, अब इस मामले पर SIT का गठन कर दिया गया है, देखना होगा कि जांच में क्या खुलासा होता है। SPR9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।